यार हम लोग बजट गेमर हैं, हम लोगों का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता। और टू बी ऑनेस्ट, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने लिए पीसी बिल्ड करने की सोच रहे होंगे। पीसी बिल्ड करते टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बजट की। आपके पास एक पर्टिकुलर बजट होता है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी चाहिए, लेकिन जब आप लेने जाते हो ना तो वो बहुत महंगा मिलता है। और कभी कभी तो आपने बजट इतना बना ही नहीं पाते कि आप एक फुल सेटअप अफोर्ड कर सको। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना चले और एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पर आप लोग को ये बताया जाए कि 35,000 रुपीस के अंदर में रहते हुए आप एक फुल सेटअप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, ये चीज पॉसिबल है। आप 35,000 रुपीस में रह के एक बेहतरीन कर्व मॉनिटर, एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला गेमिंग पीसी जो कि फ्यूचर प्रूफ भी है थोड़ा बहुत, और माउस, कीबोर्ड, माउस पैड, हेडफोन, सारी चीजें खरीद सकते हो। नॉर्मली लोग करते क्या है, जब एक पर्टिकुलर बजट में रहते हुए पीसी बिल्ड करते हैं या सजेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कॉर्नर कट बहुत कर देते हैं। मतलब कि कंपोनेंट जो है वो थोड़े से लो एंड वाले सजेस्ट कर देते हैं जिससे कि कॉस्ट जो है पीसी बिल्ड की वो डाउन हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वो ब्रांडेड मिलेंगी और क्वालिटी होगी वो भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। वेल, अगर आपका भी बजट 35,000 है और आप भी सिमिलर बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। अब ये वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा होगा, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। कौन सा पार्ट मैंने क्यों लिया है यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ अगर हो सकता है तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट कंपोनेंट जो यहाँ पर मैंने लिया वो लिया है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो मैंने यहाँ पर चूज किया वो चूज किया है AMD का Ryzen 3 3200G। AMD के 3200G के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही सिमिलर लगता है ऑन पेपर Ryzen 3 2200G के, क्योंकि अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर भी आपको 4 कोर, 4 थ्रेड और वेगा 8 GPU देखने को मिल जाता है। लेकिन AMD ने थर्ड जनरेशन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है, स्पेशली Ryzen 3 के केस में। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो ये आपको Ryzen 5 3400G के बहुत क्लोज परफॉर्मेंस दे देता है ओवरक्लॉकिंग होने के बाद। इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिल जाता है 4 कोर 4 थ्रेड, वहीं यहाँ पर आपको वेगा 8 IGPU देखने को मिल जाता है। बेस्ट चीज ये है कि ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है, जिसको कि आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। करेंटली ये प्रोसेसर आपको मार्केट में 8,400 रुपए का मिल जाता है और हमारे बिल्ड के साथ ये परफेक्ट था। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो यहाँ पर मैंने लिया इस बिल्ड में वो लिया MSI का B450 Pro, जिसकी प्राइस है 5,500 रुपए। इस प्राइस रेंज पे रहते हुए मैं मानता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट बजट B450 मदरबोर्ड है, जिसको कि आप आज की डेट पे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि है हमारी रैम। रैम यहाँ पर मैंने इस बिल्ड में ली है वो आती है XPG की तरफ से D30। करेंटली आप इसे 2600 रुपए का खरीद सकते हैं Amazon से, अगर आपके पास SBI का कार्ड है। नहीं तो अगर आप चाहें तो techmartunbox.com या इवन MD Computers पर भी खरीद सकते हैं। इस रैम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये 8GB की DDR4 मेमोरी है, और जो फ्रीक्वेंसी ये ऑफर करती है वो है 3000 MHz। वैसे भी आपको पता है Ryzen का जो इन्फिनिटी फैब्रिक है वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम को फेवर करता है, मतलब कि वेगा 8 को जितनी फास्ट रैम मिलेगी आपका गेमिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। तो अब बजट में रहते हुए हमारे लिए ये रैम जो है एक परफेक्ट ऑप्शन थी। 8GB की रैम है, 2600 रुपीस की मिलती है, और आजकल के हिसाब से मैं मानता हूँ 8GB बस सफिशियंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि हमारा PSU। पावर सप्लाई जो मैंने इस बिल्ड में ली है वो आती है थर्मलटेक की तरफ से लाइट पावर, जिसको करंटली आप 2300 रुपए में खरीद सकते हैं। हालांकि आपके पास दूसरे भी ऑप्शन है, जैसे कि कॉर्सियर का VS450 जो कि सिमिलर प्राइस पे आता है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसके साथ जा सकते हो। मैं थर्मलटेक की ये पावर सप्लाई पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया है। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करें जो कि हमारी SSD। मैंने इस बिल्ड में हार्ड डिस्क नहीं लिया है, केवल एक SSD ली है GigaByte की तरफ से जो आती है 240GB की। करंटली आप इसे 2100-2200 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं ऑफलाइन मार्केट में, हालांकि ऑनलाइन खरीदेंगे तो 2300 रुपए की पड़ेगी। जहां से आप कंफर्टेबल हो आप उधर से ले सकते हो। मैंने इसके SSD का डेडिकेटेड रिव्यू भी बनाया था, और मेरी टेस्टिंग के हिसाब से ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी ऑफर कर देती है। केस के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो इस बिल्ड में मैंने केस लिया है वो आता है आंट पीसी की तरफ से TG200। ये कैबिनेट आपको साइड में टेम्पर्ड ग्लास ऑफर करता है, प्लस फ्रंट में आपको RGB स्ट्रिप्स भी ऑफर कर देता है। और फ्रेंकली बोलूँ तो 2800 रुपए की रेंज पर जो ये वैल्यू आपको ऑफर करता है ना, वो बहुत ही इनसेन है। आप जब अपना बिल्ड इस कैबिनेट के अंदर बनाओगे ना,
और जब आप इसको ऑन करोगे तो लुक जो ये प्रोवाइड करेगा ना फाइनल वाला, वो बहुत ही फाड़ू होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हमने परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स को भी प्रायोरिटी दी है, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लास्ट कंपोनेंट मैंने यहाँ पर जो पीसी बिल्ड में लिया है वो लिया है विंडोज। यहाँ पर बहुत सारे लोग विंडोज को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे भी इंक्लूड किया है। करंटली आप विंडोज 10 की OEM की 650 रुपए में खरीद सकते हैं विंडो की .in पे, और वही अगर आप रिटेल की खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको पड़ती है 1150 रुपए की। आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं TIBG350 और एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। वेल, तो ये थे हमारे ओवरऑल पार्ट्स जिसको कि हमने यूज किया था अपने पीसी बिल्ड पे। जितने भी पार्ट्स हैं उनका आपको बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप easypeasysolution.in से खरीदें, मेरा दोस्त है बंदा, वहां पर आपको काफी बेटर प्राइसिंग मिल जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर जो बिल्ड की कॉस्ट होती है वो लगभग होती है 24,000 रुपीज। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पेरिफेरल्स के बारे में, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। बात आती है अगर पेरिफेरल्स की, तो यहाँ पर मैंने जो इस बिल्ड में मॉनिटर लिया है वो आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का ये 23.5 इंच का कर्व मॉनिटर है जो कि आपको VA पैनल ऑफर करता है। पर्सनली बोलूँ तो नॉर्मली ये आपको 11-12 हज़ार रुपये का पहले मिलता था, लेकिन आजकल डील पे चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अब ये डील पर ही रहने वाला है क्योंकि इसे आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। करंटली आप इसे 8,300 रुपये में खरीद सकते हैं। पर्सनली मैंने खुद एक यूनिट अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। कर्व है, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, VA पैनल है तो आप यहाँ पर मूवीज़ वूवीज़ आराम से देख सकते हैं। कलर रिप्रोडक्शन भी मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि पैनल सैमसंग का है और VA है। 1080p फुल HD आपको ये रेजोल्यूशन ऑफर करता है और रिफ्रेश रेट भी 60 है। तो स्पेक्स वाइज बेसिक है, लेकिन 8,300 रुपये में आपको 24 इंच का मॉनिटर मिल रहा है और ये कर्व है, तो दिखने में जो आपको जो लुक प्रोवाइड करता है ना ये मॉनिटर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बात आती है बाकी के कंपोनेंट्स की, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, माउस पैड, हेडफोन। तो यहाँ पर मैंने रेड गियर का मांटा कॉम्बो खरीद लिया है जिसको कि करंटली आप 2100 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है, मेटल का बना हुआ है, हालांकि कीज़ जो है वो रबर की हैं। हेडफोन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि डिसेंट क्वालिटी का साउंड आपको ऑफर कर देता है। साथ में ही आपको माउस और कीबोर्ड भी मिल जाता है जो कि दिखने में काफी अच्छा है। वेल, तो ये थे हमारा इंटायर बिल्ड। अगर आप सारे कंपोनेंट की प्राइसेस को ऐड करेंगे तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट आता है वो आता है 35,000 रुपीज। 35,000 रुपीज की रेंज पर रहते हुए आप एक बेहतरीन पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आपने कहीं पर कॉर्नर कट भी नहीं किया है और सारे पार्ट आपने ब्रांडेड यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।